खूबसूरत दिन है आज प्रभु ने दिया है, हम सभी को बचा कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तूफान आया, तूफान चला गया, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को सही सलामत रखा। गॉड हैज केप्ट अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड अस थ्रू ऑल स्टॉर्म्स। प्रेज द लॉर्ड। गीत कहता है कि प्रभु के जो लहू है वो कीमती है, हालेलुया, और उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है। तो जैसे आज हम सभा में जाएंगे, गीतों को गाएंगे, इस बात को मान ले दिल में, विश्वास करें कि प्रभु के लहू के द्वारा हर एक चीजों से छुटकारा मिलेगा। आपका जो बोझ है, तकलीफ है, मुसीबत है, बीमारी है, सब दूर हो सकता है प्रभु के लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम खड़े हो जाए, एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करेंगे। शैल वी जस्ट राइज टू आवर फीट्स एंड टुगेदर वी विल प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड टुडे। वी विल जस्ट गिव दिस टाइम इनटू द लॉर्ड्स हैंड्स बिफोर वी गो इनटू आवर टाइम ऑफ सिंगिंग एंड प्रेज। क्यों ना प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद की तेरा जो उपस्थिति वो हमारे बीच में रहता है, धन्यवाद कि तूने हम सभी से प्रेम को किया। अब प्रभु धन्यवाद तेरे पुत्र के लिए, प्रभु यीशु के लिए, उसके लहू के लिए जो बहुत ही बड़ी कीमती है। अब प्रभु आज हम सब इस बात को अंगीकार करते हैं अपने मुख से कि हम तुमसे प्रेम को करते हैं। धन्यवाद तेरे कुर्बानी के लिए। अब प्रभु जैसे आज हम गीत को गाएंगे, महिमा को करेंगे, प्रशंसा को करेंगे, तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए इस भवन में, तेरी महिमा और स्तुति हो। अब प्रभु जैसे महिमा और स्तुति को करते हैं, हम लोगों को छुटकारा मिले, हर एक बोझ दूर हो जाए, हर एक तकलीफ दूर हो जाए। अब प्रभु आज पूरे मन से, पूरे दिल से, आत्मा से होकर हम तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है इस सभा में, जैसे गीत गाया जाएगा तेरे महिमा हो इस भवन में, तेरी आत्मा उतर आए हमारे बीच में, तेरा सामर्थ उतर आए, और पवित्र आत्मा की आग को महसूस करे। हर एक लोग को, गीत गाने वाले, बजाने वाले, सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। और पवित्र आत्मा यही हम प्रार्थना करते हैं, तू अगुवाई को कर। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े ही रहे, परमेश्वर की महिमा और स्तुति एक साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब ताली बजाएं। ओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशी कुछ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हम नए दिन देखे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है सर, कोई नहीं तेरे बिन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारे साथ है। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद भरोसा न करें। हालेलुया। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया
से न रहना हमें तूने दिया है नया दिन विश्वास करके है बढ़ना हमें कोई नहीं तेरे में आज के दिन सब कहे तू आओ मिलकर समर्पण करे परमेश्वर के हाथ में छोड़े कि आज परमेश्वर हम अपने भरोसे पे नहीं रहेंगे अपनी समझ में नहीं रहेंगे सिर्फ आप पर ध्यान देंगे आपकी जो पवित्र आत्मा है उस पर भरोसा करेंगे कि हमें अगुवाई करेगा जहाँ भी वो ले जाएगा हमें जो कुछ हमसे चाहते हैं हम उसको पूरा करेंगे प्रेज द लॉर्ड भजन करूँ मैं भजन भजन करू मैं भजन करू नाम मसीह का लेता रहूं लोग जो झूठे बात करे चारों तरफ बदनाम करे लोग जो झूठे बात करे चारों तरफ लेता रहो बल में कहता है कि जब हम उसको ऐलान करते एक्नोलेज करते अपने समझ में अपने जो
दिमाग है उसमें अपने भरोसा आप नहीं रखेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसके भजन करते रहेंगे, उसके बारे में बात करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, हर एक चीज में धन्यवाद देते रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे रास्ता को अगुवाई करेगा। ही विल डायरेक्ट आवर पाथ। हालेलुया। किन उसके धन्यवाद दे, उसके उपस्थिति के लिए, उसके अगुवाई के लिए, उसके प्रेम के लिए हमारे ऊपर प्रति, उसके अनुग्रह दया कृपा के लिए। उसके जैसा कोई नहीं है, एक ही खुदा है, एक ही मसीहा है। ओह वी थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम में है रिहा,
तेरे नाम में चंगाई है भलाई बिलो सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु और कोई नहीं सारा आदर सारी महिमा तुझको हाथ उठाकर सारा दर सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु नाम यीशु का ऊंचा एक ही नाम सुंदर नाम नाम यीशु का that can give us salvation, that can give us entry to heaven. Bible says further, until you are born of the Spirit, until you are baptized of the water, you cannot enter the heaven. You are everything to us. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Church, you can feel the power of the living God. This is not an ordinary Sunday. This is not something that you have come here to look at. This is something that you have come to exalt, to say, Lord, yes, you are my God. I am your servant. I am your child. Hallelujah. God's promises that was before is still here for you. I will never leave you. I will not forsake you. Never mind what pandemic comes over. The Bible has already declared we should not panic because our Redeemer is with us. He's standing next to you. He's standing in front of you. He's standing at back of you. What he did to the Israelites in the daytime, he was a cloud, pillar of cloud. In the nighttime, he was a pillar of fire so that the Egyptians could not even touch them because he said, I am your God. I will give you redemption. That promises, Father, we thank you. The one who is seated on the throne of grace in heaven, we come before thy holy presence, giving you thanks in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The Bible says, there was no name given before, not now, never will be. Ephesians 1:20 and 21. You are only the name that we know, Lord, that will give us redemption.
that will set us free, that will give us our road to the Father. And we are so glad and so blessed that we are called your servants, and you are our leader, you are our master, you are our redeemer. There is life in you, Lord. There is redemption in you, Lord. There is healing in your name. Hallelujah. We thank you so much for being in our life, for changing our life for what it is today. We thank you for your people who are here. We thank you for each and everyone who is coming on the way. Bring them quickly, Lord, so that they may share the food that is going to be served by your servant. Everyone that are hearing this through any source, in the name of Jesus Christ, we pray, Lord, that you will make a difference in their life, and they will realize what we have, they don't have. Jesus, all our daughter churches convening the service now, bless them, Lord. Bless the pastors. Every new person that's coming into your sanctuary, we pray for them, God, that they're not going to go empty. Whatever reason they have come here for, Lord, you will fulfill. We'll not look at people, Lord, but we'll look at Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. We also thank you for the choir. Thank you for the gifts that you've given to him, to them, Lord, all of them. Please continue to bless them so that when they exalt your name from here, you fill them with the desire and with the spirit, of God. They are heart of our service. And your congregation, as we open our spiritual heart to receive whatever is in store for us, please, Lord, bless us. And your servant that is coming here to preach their gospel, bless him, Lord. Give him double portion. Increase his territory, oh God, so that the enemy may not be able to devour him in any way. Jesus, you are in authority. You are in power. Your dominion is from east to west and beyond, north to south, Lord. You are our Lord. You created everything. Thank you, Lord. We also pray for our senior pastor. You have given him so much knowledge, so much understanding, Lord, so much time he spent in a sanctuary just to say, Lord, thank you that you have accepted me as your worthy servant. And when I come to you, you will pat my shoulder, pat my back, and say, well done, my faithful and honest servant. Thank you, Lord. Bless all of us. We thank you. In Jesus' name we all pray. And everyone say, amen. Amen. Thank you. Thank you. Hallelujah. Dhanyawad Parmeshwar ke aashish aapke upar rahe. बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर आज यहाँ पर. और मेरा पूरा आशा है कि आप निश्चय आनंद और खुशहाली हो और आज के सभा से आत्मिक उन्नति को प्राप्त करोगे. प्रभु की जय. हालेलुया. आज हमारे बीच में खास मेहमान लोग हैं. पादरी एक मिशनरी है कोरिया से. एक बार और यहाँ पर आकर वो प्रचार किया था और फिर से वो आया है. वो चाहता था हमारे साथ में मेल मिलाप करने के लिए. वो प्रचार करेंगे. पास्टर लिम और उसके पत्नी पास्टर चोई, राइट, प्रोनाउंस इट राइट, ओके, पास्टर चोई और उसके हस्बैंड पास्टर लिम. और मुझे बताया गया कि आज पादरी लिम चोई प्रचार करेगी. प्रेज द लॉर्ड, शी इज गॉट समथिंग स्पेशल फॉर अस एंड वी वांट टू ऑनर देम. Come, brother. Both of you, come. Come. We want to just say, बाद में पास्टर लिम जाएगा नीचे संडे स्कूल लोगों के साथ में. ये लोग कोरिया से हैं लेकिन सबसाबू में रहते हैं. मिशनरी के काम करते हैं. They are doing work in सबसाबू and we are so glad that they could come to Fiji. You know, from Korea, all the good things and the blessed things over there, come and live in the bush over there. Praise the Lord. Yeah, and God blesses them in that place. So we are delighted to him. बहुत ही खुश है कि वे आज हमारे साथ में हैं. Brother, you going to say something before you go? Just say it. Good morning, church. Very good to see you again. This is the second time to visit Kinoya Church. I'm so happy to be here this morning. And then thank you so much. Thank you for your prayer. After Yasa, yeah, as you know, the manual level is quite bad impacted there. A lot of a house and the school, all the roof is blown off. So as a missionary, yeah, we tried in our best to help them, to pray for them. So yeah, slowly we see the
all the house they cover. But every Christian, we know, even that kind of the suffering, we can get God's message, right? God wants to say something to us. And then I saw the, some church pastors, they told me, after Yasa, new members, they come to church. Hallelujah. Amen. Yeah, hallelujah. Let's praise the Lord. Yeah, they lost their house. They lost a lot of the house stuff things. But they found this real God. Amen. Amen. So Cyclone Yasa and Anna, it's quite a big suffering for our life. But it's quite a big blessing also to find our real God. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Can we tell you that we have to welcome? Praise the Lord. Padre Chao, I can say, Prachar Karigi, Sister Kam, we'll let you, she's going to speak and Shilesh is going to interpret for you, okay? Can we tell you that we have to welcome? Good morning, church. It's great honor to stand here and share the word of God. बहुत सौभाग्य कि यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और आपके साथ में परमेश्वर का वचन बांटने. I do not know your name personally, but God knows. आपका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है. God understands who you are and which family, and He will speak to you today. परमेश्वर आपके समझता है किस परिवार से क्या आपका हालत है और वो आपसे खुद बात करेगा. Today I want to share the Bible verses. The theme, could you open? The title is Uzza and Obed Edom. जो title है Uzza, Obed Edom. वो आपसे शेयर करना चाहती है बाइबल में से. That's the very paradoxical title. Conflict each other. Okay, let's read the Bible. दूसरा सैमुएल की किताब से वो पढ़ेंगे. In English and your Bible too. Could you? Okay, when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God because the oxen stumbled. The Lord's anger burnt against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, that place is called Perez, suitable the irreverent act. The last one is something. Second Samuel, that event about regarding the ark of God. Ark, when they came out from the Egypt, they put some Ten Commandments and the staff of Aaron and the jar of manna. परमेश्वर का जो आग था वो उसके बारे में बतलाता है और जिसे राजा दाऊद के समय वो जो आग ऑफ द कवेनेंट था वो लिख जाता था और उसके बारे में बुक ऑफ सैमुएल में कहता है बताता है आपसे. They put it in the holy of holies and the tent of meeting. That symbol is God is with us. जो परमेश्वर का मंदिर है जो पवित्र जगह है सबसे पवित्र जगह वहाँ पर रखा था और उसके मतलब था कि परमेश्वर वहाँ पर है हमारे साथ में. But Israelite, they lost it when they fight with the blessed. जब इज़राइल जो इज़राइली लोग थे जब लड़ाई में वो जो परमेश्वर का जो आँख था जो उसके आँख ऑफ द कवेनेंट वो खो दिया था इस जो लड़ाई में. The blessed people, idol worshipper, they couldn't embrace that ark of God because their God fell down. जो मूर्ति पूजक जो दूसरे लोग थे जो परमेश्वर को नहीं प्रशंसा करते थे वे उसके परमेश्वर का जो ark of the covenant था उसको
स्वीकार नहीं कर पाए और उसके उनका जो मंदिर में जो मूर्ति पूजा करते थे उसमें उनका जो मूर्ति था वो गिर गया था परमेश्वर के जो आर्क ऑफ द कवेनेंट के सामने. सो wherever the ark of God is, the city people all died. जो लोग थे वहां पर सब मर गए उसके कारण. So they request, bring this ark to the next town, not ours. So they move it. जो वे परमेश्वर से डर गए और कहते थे कि ये जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है परमेश्वर का वो यहाँ नहीं हमारे शहर में नहीं वो भेज दो दूसरे शहर में. Maybe that looks like a virus of COVID-19. शायद वायरस की तरह था जो वे नहीं चाहते थे वो भेजते थे दूसरी जगह. So blessed took the ark of God this town, that town, 5 times. और वो 5 समय अलग अलग शहर में लग जाते थे. They said, let this ark of God, let them go back to their country. And they send it to the Israelites. और वे क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें था वे नहीं जानते थे क्या करना है वो डरते थे तो वो ऐसे ऐसे दूसरे से शहर में भेजते भेजते फिर उसने उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का जो आर्क ऑफ द कवेनेंट उसको लौटा कर इज़राइल देश में भेज दो. One cow carry it and the baby cow follow the mommy cow and there is put some gold there. और जो बैल है उसके ऊपर ये आर्क ऑफ द कवेनेंट है उसको रख कर परमेश्वर का जो आँख है उसको रख कर बैल उसको ले जाता था और उसके साथ में छोटा उसका बच्चा जो बच्चा भी था गाय का बच्चा भी वो भी था साथ में. When the farmers of Israel people saw it walking down with the ark of God and they were not touch and welcome but they all died. जब अगर जो इज़राइल के लोग देखते थे कि ये बैल में ये आर्क ऑफ द कवेनेंट परमेश्वर का जो है वो आता है तो अगर वो उसको छूते वो परमेश्वर के सामर्थ जो था अगर वो उसको चीज को छूते हुए मर जाते. रिमेम्बर द उज्जास हिज इरेवरेंट एक्ट. उज्जा जो उसके जो इरेवरेंट जो वो बुरा काम किया जो उसको ठीक नहीं था वो उसने वो किया. When God's holy presence there, some of them have irreverent act. They passed away. तो जो लोग परमेश्वर के सामने आया जो परमेश्वर के जो सामर्थ्य उसके उपस्थिति के सामर्थ्य जो लोग ठीक नहीं थे शायद कुछ पाप थे या कुछ गड़बड़ी थे उसके सामने आकर उसको छूता है वो मर जाता है. Next PPT please. So they put the ark of God in Abinadab's house. तो ये व्यक्ति अभिनादाब जो था उसके घर पर ये आर्क ऑफ द कवेनेंट रखा. अभिनादाब द मीनिंग इज माय फादर इज प्रेशियस. उसका मतलब है कि मेरा पिता बहुत बहुमूल्य है. हु इज अभिनादाब्स फादर. अभिनादाब के जो पिता कौन था. जैसे द डेविड्स फादर. जैसे जो राजा दाऊद है उसके पिता. So Abinadab and David was their one sibling. So Abinadab aur Raja Daud jo bhaiya bhai the. Let's read this verse Samuel chapter 7 verse 1 to 2. So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They took it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar, his son, to guard the ark of the Lord. It was a long time, 20 years in all, that the ark remained at Kiriath Jearim, and all the people of Israel mourned and sought after the Lord. Yes. Abinadab lived in the hillside, and they say, okay, in your mountain, put it there. We are afraid to see that, to touch that, but we're still seeking the Lord of God. So Abinadab's son, Eleazar, he appointed his son to guard the ark of God. So, जो अभिनादाब है वो अपने वो उसका घर पर ये परमेश्वर का जो आर्क ऑफ द कवेनेंट उसको ले जाकर रखा. वे डरते थे उसको छूते नहीं थे सिर्फ लेकिन वहाँ रखा था और कहता है 20 साल वहाँ रखा था और जो अभिनादाब के बेटा था
उसको जो बेटा था उसको वहां पर रखा गया था उसको रक्षा करने के लिए उस आग को. How many years there? कितने साल वहां थे? 20 years. That's quite a long time. बहुत लंबा समय. The presence of God, usually in the Holy of Holies, but they put in the mountain top and they forgot. परमेश्वर का जो उपस्थिति उस समय मंदिर में होना चाहिए था, लेकिन अब वो जो आँख है, वो एक पहाड़ पे, एक घर पर 20 साल से लोग भुला गए उसके बारे में. But David remembered that, and when he became a king of north and south for country, he wanted to bring it back. तो राजा जब दाऊद राजा बना और वो पूरा इलाका का राजा बन गया तो वो जानता था इस आँख के बारे में और वो चाहता था कि उस आँख को लाकर और सही जगह पर रखने के लिए. He said, "I have a nice palace like this marble, but how about the house of God? It is still in the mountain place." बोले हमारे पास एक इतना सुंदर महंगा महल है और जो परमेश्वर का उपस्थिति जो उसका आँख है वो एक पहाड़ पर है किसी के घर पर रखा ने. If the Ark of God come to Jerusalem and our country will bless, it's what he thought. तो दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर का जो आँख है अगर यरूशलेम आ जाएगा और हमारे जो शहर है हमारे देश है वो आशीषित रहेगा. So he prepared 30,000 soldiers and some musicians with a long queue, and they go to the mountain to bring it back. 30,000 सिपाही और जो बाजा बजाने गाना गाने लोग को बटोर कर और गया इस आग को लेकर आने के लिए. And he said to Abinadab, "Brother, can I get it back? My brother, it's the time. Please send it back to me." तो दाऊद उसका अपना भाई के पास गया और कहता है अबीनादाब से उसका भाई कहता है कि भाई अब बहुत दिन यहाँ पर आँख रह लिया अब मुझे लौटा के दे दो मैं ले जाना चाहता हूँ यरूशलेम. तो बाइबल सेड द वन हु टेक केयर एलाजार इज नो मेंशन ओनली आसोन इज द इन फ्रंट ऑफ द आर्क एंड उच्चा इज बिहाइंड द आर्क. तो जो carry the cow. तो जो आँख है उसने कहा कि जो आँख है वो जो बैल है वो उसको ऊपर उसके ऊपर रहेगा लेकिन जो एलिएजा का जो बेटा है वो आगे रहेगा और उज्जा उसके पीछे जो आँख है उसके पीछे रहेगा. Maybe there's no touch a lot and the cow have a difficult time to carry from the hill and the cow stumble. तो शायद क्योंकि वो शायद घड़ू था और बैल बैल के ऊपर रहा तो जब पहाड़ से उतरते हुए समय जो बैल है वो फिसला. I do not know it's the hillside. Maybe the ark of God stumbled. Maybe front side. But it was fall down to back and Uzzah touched it. और ऐसा हुआ कि जब जब जो बैल है वो फिसला तो जो आँख है उसके पीठ पे था वो सरक के गिरने लगा और उज्जा उसके पीछे था उसने तुरंत उस पर हाथ लगा कर रोका. The Bible said because the son has irreverent act and he passed away. और बाइबल कहता है कि उज्जा क्योंकि उसके शायद हृदय में ऐसा कुछ गड़बड़ी था जीवन में कुछ परमेश्वर का इच्छा द्वारा नहीं था क्योंकि जब जैसे वो छुआ वो तुरंत मर गया. Okay, next to PPT. उज्जा means the Lord is my strength. Nice name. उज्जा जो उसका नाम का मतलब है कि परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है. When I was teach at the seminary in Korea, and in my class, the student name is Matthew, Joseph, Moses, sometime the Holy Spirit. But when I check their paper, oh, they do not know, very low, fail. And when I talk to them, and regarding the Lord's Prayer, they say, "Oh, that's
for my father's generation, not for me. Because my mother pushed me to this seminary, I came, but I do not want to be a servant of God. क्योंकि लोग को मुलाकात किया जो जिनको शायद कहा गया कि जाओ अध्ययन करो या उनको शायद दिल में इच्छा नहीं था लेकिन उसके माता पिता ने उसको जोर दिया कि जाओ और कहता है कि जो प्रभु का जो प्रार्थना है वो उनके लिए नहीं सिर्फ उनके माता पिता के लिए तो उनके दिल शायद उसमें नहीं था कि परमेश्वर के अध्ययन करो वेरी एक्सलेंट इंटरप्रेटर आई मेक इट लॉन्ग एंड ही रिमेंबर एवरीथिंग थैंक यू आई विल मेक इट श्योर नो नो इट्स सो व्हाटएवर देयर नेम माय लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ उच्चा उच्चा बट डिड ही हैव सम सूटेबल एक्ट टुवर्ड गॉड इसके नाम शायद अच्छा नाम था कहता था कि परमेश्वर मेरा सामर्थ्य लेकिन शायद उसके जो नाम में कुछ नहीं था लेकिन उसका जो हृदय में बाइबल कहता है कि शायद क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आना और उसके उससे बातचीत करना उसमें किसी कई तरह का जो कानून है उसको पूरा करना है और शायद ये ऊजा जो था वो सच पूरा तरह से जो परमेश्वर का जो नियम है वो पूरा नहीं किया इसी कारण उसको मार दिया गया बाइबल डिड नॉट मेंशन व्हाट काइंड ऑफ हिज इलेबोरेंट एक्ट बाइबल में नहीं कहता कि सचमुच में क्या गड़बड़ी था या क्या वो किया गड़बड़ कि परमेश्वर उसको मार दिया थैंक यू वी आर हियर फेस आवर कंपैशन ऑफ गॉड एंड वी वर्शिप Let's think about our next generation. जब हम यहाँ आते हैं और परमेश्वर की महिमा आराधना करते हम अपने जो जो बच्चे हमारे आगे जो बच्चे आएंगे और जो जनरेशन से आने लाए उसके बारे में सोचे Even you put your children's name in Bible's name. शायद अपने बच्चे का नाम आप एक बाइबल में से नाम लेकर दिया है क्रिश्चियन नेम दिया है शायद अच्छा मतलब है उस नाम का The parents wish they have honor God with their whole life. That's our prayer. लेकिन प्रार्थना हमारी ये कि सिर्फ नाम नहीं लेकिन उनका जो जीवन है वो परमेश्वर के भय में रहे और उसके जो जो आज्ञा है उसको पालन करे और उसके रास्ता पे चले परमेश्वर का Today I want to share my top lesson from God. आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर से जो शिक्षा मिलता है मैं आई वॉज लाइक उज्जा मैं उज्जा की तरह था When we have a church planting in Korea, after the mission field, 20 years, I will go back and have a church planting. जब मैं जो मिशन यहाँ पर खलास करके मैं समाप्त करके लौटूंगा कोरिया तो वहाँ कलीसिया स्थापित करूँगा And I so shocked the people of the Korean's heart. It's very different. They occupy heart of the money. जो कोरिया के लोग हैं उनके हृदय में अलग हो बदल गया है वो सिर्फ पैसा पैसा करते हैं. Not only outside the church member, inside the church members too. सिर्फ बाहर के लोग नहीं कलीसिया में भी उनका हृदय ऐसा हो गया है उनका सोच विचार ऐसा हो गया है सिर्फ पैसा और जो शारीरिक चीज है Not only elderly people, but even small grade one knows how many, how big your house is, how many room do you have. They cashing and they make a friend each other. सिर्फ बड़े लोग नहीं लेकिन छोटे लोग भी बच्चे लोग भी वे जानते हैं किसके घर बड़ा है किसके पास ढेर चीज है किसमें रूम बड़ा है तो ऐसा उनसे रिश्ता रखते थे I was so proud of myself as a missionary. We do have nothing. अच्छा लगा मेरा कि मेरे पास कुछ नहीं है मिशनरी जो परमेश्वर के सेवक होने ऐसा जो हमारे पास कुछ नहीं है जो हम घमंड कर सकते हैं उसमें. Rely on God. That's the missionary life I touch. सिर्फ पूरा भरोसा परमेश्वर पर है. But one day my daughter came from the school. Mommy,
They told me my house is looks like a beggar's house. एक दिन मेरा बेटी आया स्कूल से और कहता है कि माँ मेरा वो ये कहते हैं कि मेरा घर एक भिखारी की तरह घर है. My anger burned. मैं गुस्सा आया. So I make some script what we did in New Zealand. I was the interpreter of the worship and how we evangelize all the pictures like a children's label. I put some lamp there too. और मैं कुछ लिखकर और मेरे ख्याल से जो चित्र है वो सब बुक में लिखा कि क्या क्या हम न्यूजीलैंड में और कहाँ का कैसे ऐसे चीज़ हम किए. And called the teacher, let my daughter have a representative about the New Zealand 5 minutes only. तो वो मैं अपने मैं बेटी के टीचर को कॉल किया और कहता है कि मुझे मेरा बेटी को सिर्फ 5 मिनट कुछ समय देना वो चाहती है कुछ बतलाने के लिए क्लास में. So she did that and she got the reputation again. तो वो जब जाकर और बतलाया दिखाया फोटो जो बताया कि हमारे जो परिवार है न्यूजीलैंड में और कहाँ का क्या क्या किया और क्या क्या हासिल किया परमेश्वर की सेवा में, तो वो कहती है कि जो क्लास है और टीचर फिर इनको आदर सम्मान देने लगा कि वे सिर्फ भिखारी स्टाइल नहीं रहते लेकिन उनके कई चीज़ हासिल किया है परमेश्वर में. 10 years church planting from nothing to pay the rental fee of the church and we stay beside the church one partition was not easy time. एक कलीसिया स्थापित किया जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ से कलीसिया स्थापित किया. But we so fiercely share the gospel of God on the street and climb up the mountain. No apartment which is 20 floor and we go down put our post about church like a step we go down put it and we so actively share the love of God. लेकिन हम चुके नहीं परमेश्वर की सेवा करने लोग को बतलाने में कि कलीसिया के बारे में यीशु मसीह के बारे में और जगह जगह गए और बड़ा बड़ा बिल्डिंग में पैदल चल चल गया उतरा सीढ़ी चढ़कर और हर एक अपार्टमेंट में हर एक घर में जो पर्चा है और कलीसिया के बारे में वो दिया. एंड 3 days इन अ वीक आई गो टू द सेमिनारी टू टीच एंड गेट द सैलरी. 10 of 10 offering I put the church and pay the rental fee. और परमेश्वर ऐसा आशीष देता है कि वो 3 रोज हफ्ता में बाइबल टीचिंग करता था एक स्कूल में और वहाँ से जो कुछ तलब मिलता रहा अपना ऑफरिंग और टाइज निकाल कर और अपना जो रेंट है वो सब भर लेता रहा सब चीज़ कवर हो जाता था. It was so happy moment. As a missionary, we always receive the money and share to the mission field. But this time, I do something myself by the grace of God, and I offer. That was big joy. और इतना आनंद होता था कि परमेश्वर सब चीज में अगुवाई करता था. उनका भरोसा परमेश्वर पे था और वो सब चीज संभालता था और हृदय में आनंद था. I cook the food and feeding the elderly people. और मैं भोजन पका कर और जो बूढ़े लोग थे उनको भोजन देता था. But some point I lost my face and burn out. और ऐसा समय आया कि मैं जो मेरा विश्वास है वो थोड़ा ढगमगाने लगा. Like when you catch the fish at the stream, my slipper flow away. That kind of things. I do not aware, but that things happen. मैं इतना waste हो गया था चीज करने में. ऐसा है जैसे अगर मैं मछली पकड़ता हूँ और मैं ख्याल नहीं करता है मेरा जूता पानी में बहते जाता है और मैं इतना busy हूँ कि मैं जानता नहीं मेरा जूता चल दिया. ऐसा होने लगा. I'm the one to cleaning the church. I'm the one to watering the plant. All things looks like a shoulder on me, the church. ऐसा था कि मैं सब चीज मैं करता था. फूल सेट करता हूँ, चेत सफा करता हूँ, पानी छोड़ता हूँ, हर एक चीज मेरा ऊपर था, मैं करता था. It looks like I manage the church and I am the
give the money to sustain this church philanthropy, that kind of pride comes in my mind. और आस्ते आस्ते ऐसा घमंड आ गया मेरे पास कि मेरे सब चीज मेरे मुझसे चलता है और मेरे कारण से कलीसिया में पैसा आता है और मैं हूँ सब चीज यहाँ का बॉस है. At some point, I couldn't do it anymore. So tired. और ऐसा होते थे ऐसा समय आया कि मैं इतना थक गया कि सब बोझा लेकर सब चीज अपने करते करते मैं थकने लगा. When the owner want to increase the philanthropy, that was big money, and we couldn't do it anymore. We said. जब चीज बढ़ाने के समय और पैसा जरूरी था नहीं कर पाए. We pray and pray, find a way, go continue to our church. प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को चलाते रहे. One day God spoke to me. एक समय एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया. With that Bible verses. इस बाइबल वर्स जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा. You like उज्जा. और जो वचन है उसके हृदय में कहता है कि तुम उज्जा की तरह. I said, me? मैंने कहा मैं. I do my best until burn out and almost die. उसने कहा मैं कि मैं तो सब चीज करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, सेवा करता हूँ कि थक गया हूँ, मरने पे पड़ा हूँ. God question to me, do you take care of me who created heaven and earth? तो परमेश्वर ने वचन उसको हृदय में बात किया और कहता कि क्या तुम मुझको संभालता हो, मुझको देखभाल करता हो, जो मैं जो परमेश्वर जो इस दुनिया को सिरजाओ. Do you manage me? तुम मुझे क्या संभालता हो, मैनेज करता हो? You looks like Uzza and you will die. तुम Uzza की तरह है और तुम मर जाओगी. Surely to me, the church I do myself. जो कलीसिया है परमेश्वर कहता है मैं अपने संभालूंगा. We couldn't find a way to move out somewhere to have another place, a smaller or some cheaper one. हम वहां से क्योंकि कलीसिया छोटा पड़ने लगा, हम दूसरे कलीसिया बड़ा जगह मिलता नहीं था और हम नहीं जा पाते थे कहीं और बड़ा जगह. But I surrendered to God. Yes, it's your church, you are God. और तब मैंने समर्पित किया, मैंने कहा कि ठीक तू परमेश्वर है, ये तुम्हारा कलीसिया है. And we still do not find our own place to live, but I stopped to worry at that point. और ऐसा समय आया कि मैं जो चिंता करने वरी करने को छोड़ दिया और रोक दिया. My husband still worry and looking here and there who will place. मेरा पति फिर भी चिंता करता था और जगह जगह खोजता था नया जगह के लिए. The worry comes in back to my mind. जो वरी है वो फिर मेरे पास आता है मेरे हृदय में. This time God angry with me. I do my church, leave it to me. और परमेश्वर गुस्सा में से बात करता है, कहता है कि कलीसिया मेरा है, मैं संभालूंगा, मुझ पर छोड़ दो. So I do not want to die like Uzza. So I gave it him back. और मैं उज्जा की तरह मरना नहीं चाहता और मैंने कहा कि परमेश्वर ठीक है मैं आपको सौंप देता हूँ. Sometimes the Christian do this way. They do their best for the Lord. They thought, oh, it's God's strength who do this, but there is some self-righteousness, self-pride, self-centeredness instead of God. हम अपने आप को घमंड में और अपने आप को धार्मिक कर लेते हैं और कहते हैं कि हम सब चीज़ें और हम कोशिश करते हैं सब चीज़. ये ईसाई लोग जो मसीह में हैं, हमारे ये विचार रहता है, हमारे ये जो चरित्र या एटीट्यूड हो जाता है. How we know that? Because there is some such judgmental spirit to the others. You guys do not know God. I'm praying every day. You didn't pray. You are the idol worshiper. There is judgmental spirit. Critical things come arose. और ऐसा अगर हम कैसे हम जान पाए कि हमारे सोच विचार ऐसा होने लगता है, अगर हम जाने कि हम दूसरों को सब टाइम नीचा करते हो, तुम प्रेयर नहीं करता है, तुम ऐसे वैसे सबको उंगली दिखाने लगते हैं कि ओ हम तुमसे अच्छा है,
तुम ऐसे करता है काय ऐसे करता है ऐसे, लेकिन हम अपने आप को सोचते कि हम धार्मिक है, अच्छा है. Not only thinking, it comes through the mouth. और सिर्फ खाली अंदर में सोचते नहीं, लेकिन हमारे जो जो बात में से निकलता है, हमारे मुंह से बाहर आता है. We pointing our lovely one, children and husband and wife, because you this and some complaining come out. और हम सब टाइम कंप्लेन करते हैं दूसरों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को उंगली दिखाकर और दोष देने लगते हैं हर एक चीज में. I know you have some difficult time, non-believer husband and wife, and you carry the cross. और ऐसा होता है कि वो मैं जानता हूँ कि शायद कोई कोई परिवार में जो आपका जो पति या पत्नी है, परिवार शायद विश्वासी नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरा बोझा आता है कि परमेश्वर का जो क्रूस है वो उठाने के लिए. Why at every moment your lovely one is so disturbed and obstacle you? Because God will focus on you, save you through that. और ऐसा होता है कि ये इसके कारण जो रिश्ता में रुकावट आता है और दूरियां आता है, और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें इस्तेमाल कर यूज कर और तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए. Without that kind of suffering or difficulties, we never change. जब तक हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हादसा नहीं आता है, हमारे हृदय बदलता नहीं है. So your lovely one is voluntarily work very hard for you because of you. जो हमारे जो प्रेमी लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग, हमारे लिए वो कार्य करते हैं. They are channel of blessing in God's side. परमेश्वर के जो द्वारा वो जो आशीष है हमारे पास आता है. Through them, God make you pray. God, through that, them you can come to the Lord and entangle Him the cross. और उनके द्वारा तो परमेश्वर से परमेश्वर के सामने आते हैं, उनको परमेश्वर के सामने लाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. I wish none of you like Uja and like me, Pastor Choi was a foolish woman. ऐसा ना हो कि जैसा मैं था उज्जा की तरह आप भी ना वो तो ऐसा हो कि घमंड है और धार्मिक अपने आप को सोचते कि हम सब चीज़ हमार बिना कुछ चली नहीं, ऐसा सोच या विचार नहीं रहे हमारा. डॉक्टर सेड दैट डिजीज कैन नॉट हील, और साइकोलॉजिस्ट सेड बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट डिप्रेशन. Do not trust that. शायद आपका शायद बुरे खबर है, शायद डॉक्टर कहता है कि ये जो बीमारी है वो नहीं जाएगा, या शायद जो दिमाग का डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट वो कहता है कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा समस्या है, डिप्रेशन या वट एवर, ऐसा इसके कारण सब होता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखे. God is creator. That's beyond our imagination. परमेश्वर जो है वो जो सृजने वाला है, हमारे समझ से बाहर है. Our nervous system learn 1 second 100 meters. हमारे जो there is nervous system in our body, between the nerve connection there is some space and some electric and chemical go and go, they give some information. 1 second it learn like 165 meters, it touch toe to the brain in 1 second. जो हमारे शरीर में जो इंफॉर्मेशन जाता है, जो कुछ हमारे शरीर में से ट्रेवल करता है ऊपर नीचे जाता है, सिर्फ चंद सेकंड से इतना फास्ट होता है. When you tremble something, ayah, ouch, and it goes immediately. The nervous system very fast. जब हमें चोट लगता है, इतना हाल ही हमारे दिमाग में आ जाता है, जो पीड़ा है आ जाता है. The earth revolving the sun and the sun revolving the galaxy in 1 second we looks like here, but we already move in the universe 400,000 kilometers in 1 second. We move. और जो चांद, तारा है, सूरज है, वो जब
जब जो पृथ्वी है उसके राइट टर्न जाता है इतना फास्ट जाता है जो हमारे लिए समझ से बाहर है वो. See, God is living God. ये परमेश्वर का जो आश्चर्यक्रम है महानता है. In the space we move in 1 second very widely speedily, but God hold our life through Jesus. इतना जो दुनिया है इतना महान तरह से चलता है फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में वो संभाल कर रखा है. That's why Jesus is trustworthy. इसी कारण जो यीशु मसीह है वो उस पर हम भरोसा रख सकते हैं. Between a husband and wife, sometimes I despair myself. Wow, this cannot serve. And I packing my bag and this time I want to say goodbye, I will go. कभी कभी हमारे जो विवाहित जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है कि हम अंततः अपना बैग पैक करके चल दें. And my husband said, inside God, there is no divorce. You couldn't go. उसके पति कहता है कि परमेश्वर में कोई डिवोर्स ऐसा कुछ चीज नहीं है. And I go to the shower room and water on, and I cry. I believe Jesus who saved me. और मैं बाथरूम में जाकर और रोती हूँ कि परमेश्वर मुझे बचा ले, वो मुझे बचाएगा. In my whole knowledge, I'm the doctor. I'm so ashamed about it. I couldn't solve the problem between an husband and wife, even pastor. और मैं इतना शर्मा जाती हूँ कि इतना मुसीबत हमारे परिवार में हो जाता है कि मैं सुधार नहीं सकता हूँ और मैं रोने लगता हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ. But what I learned to, from the head to toe, I said, I was saved by Jesus. और जैसे मैं जो बाथरूम है उसके अंदर पानी मुझे मेरा ऊपर गिरता है, मैं कहता हूँ कि मैं मुझे यीशु मसीह ने बचाया है. God saved us. परमेश्वर ने हमें बचाया है. He's the way, the truth, and the life. वो जो रहा है सच्चाई है और His जीवन है. His help is very presence. वो उपस्थित है हमारे साथ में. God said, "Come unto me." I will make you rest. हमारे पास आओ, परमेश्वर कहता है हमारे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा. Why God give us the COVID-19, cyclone Yasa, that kind of suffering and difficult? क्यों परमेश्वर ऐसे हमारे पर ऐसे मुसीबत लाता है, जो वायरस चलता है, जो तूफान आता है. When you have a pastor's seminar, pastor's question to us. That kind of COVID and Tishyasa, is that from God or from nature? जो पादरी सब साथ में मिलकर बातचीत करते थे तो हम पूछते थे कि ये जो वायरस है वो क्या वो परमेश्वर की ओर से कि सिर्फ ऐसा हुआ है? They say it's the judgment of God. It's the end of the earth. That's a sign. और कुछ कहते हैं कि ये परमेश्वर का जो शराब जो जजमेंट है और दुनिया का अंत आने लाए. That's a very simple question to answer. That's a very naive question. The human beings' greediness. We use the resources of the earth too much, and there is global warming. Global warming make a typhoon and COVID. और ऐसा कुछ कुछ चीज होता है मनुष्य के कारण से होता है, क्योंकि हम इतना स्वार्थी होते हैं. सब चीज जो हम करते हैं इस दुनिया में उसके कारण ये जो आंधी तूफान आता है और जो हादसा होता है हमारे ऊपर. Like 1990s, only 15% of the earth we cultivate. 1990s में सिर्फ 15% जो पृथ्वी है ऐसे उसको हम खेती में बदला था. But 2010 we used 75% of the earth cultivate, touch the jungle a lot. तो 1990 से लेकर अभी तक 15% से 15 से 75% हो गया कि जो पेड़ काट दिया गया है, जमीन को
काट दिया गया, ऐसा ऐसा हो गया 75%. We thought Fiji is safe because of the hot weather and the vitamin D. और फिजी में भी ऐसा है गर्म के कारण, शायद गर्मी इसी कारण होता है. But Indonesia, they are hotter than us, but they cultivate the jungle too much and they make a big farm in that place. And the bat, the fruit bat, they do not have place, so they eat and drop the fruit, which is jump a lot. The pig eat that mango, and the virus jump to the pig and to the human being. और इंडोनेशिया में ऐसा गर्म है और जो पेड़ सब है, जो जंगल है वो काट दिए, और जो चिड़िया है, जो जो बेट है वो उन, क्योंकि जब पेड़ जंगल काट गया उनको रहने का स्थान नहीं, तो जब वे जो फ्रूट है वो खाकर जब गिराता है तो जो सुअर है वो खा लेता है, तो जो बीमारी है बेट से सुअर पे आता है, जो सुअर जब मनुष्य सुअर खाता है तो सुअर से जो जो बीमारी है वायरस है वो मनुष्य पर आ जाता है. There is a billion of the virus, only 6 virus very harmful to the human being, and COVID is one of that. और कितना ऐसा करोड़ जो वायरसेस है, बीमारी है, लेकिन सिर्फ 6 जो मनुष्य को के ऊपर हानि पड़ता है, और वो 6 में से एक कोविड है और जो मनुष्य को मार देता है. Virus find, oh, there is a human being, it's good to live in there because no more animal in the jungle. अब ये जो बीमारी है, जो जो दुख आता है, समस्या आता है, ये सिर्फ हमें जो मनुष्य है उनके कारण, क्योंकि वो जंगल सब काट दिया है, और ऐसे ऐसे जो जो मुसीबत है वो फैलता है, बीमारी फैलता है. It's gas and the COVID-19, we couldn't say. The human being's greediness made that, and they naturally jumped to us. और ये जो COVID-19 जो बीमारी चलता है वो मनुष्य के ही स्वार्थीपन के कारण से ये आया है. Okay, next one. I want to close the story this way. Obed-Edom, could you read that? Obed, he was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it aside to the house of Obed-Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Now King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God. So David went down and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. David saw his nephew passed away, and he was sad and afraid, and he put that ark in Obed-Edom. And 3 months there, his house is so blessed. So David said, oh, let's bring back the ark of God. Next. और जो परमेश्वर का जो आर्क था वो इस व्यक्ति Obed-Edom के घर पर रखा गया, और इतना परमेश्वर का आशीष उस घर पर आया, और जब राजा दाऊद ने देखा कि ये आशीष परमेश्वर का उस घर पर है, तो वो उस आग को लेकर जो जरूसलम है उसको उस पर लेके आया बड़ी आनंद से. Obed-Edom mean he is worshipper of Edom God. He's non-Christian. But ark of God is here. Something happened. 3 months. Maybe he honor God, he fear of God, and his attitude change, and his house, who will of them blessed? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो Obed-Edom था उसके घर पर जब जो परमेश्वर का आंख आया, क्योंकि वो परमेश्वर से भय रखता था, आदर करता था, तो परमेश्वर का आशीष उस घर पर आया. 3 महीना वो आंख उस घर पर था. Maybe some of you think Uchcha worship. And in the Christian family, his name is Christian. But why he died? He take care of the ark of God. But Obed-Edom is non-worshipper, but he fear of God, and he blessed. It's unfair, God. Maybe some of you can say this one. जो उज़ा था वो ईसाई था, परमेश्वर को जानता था, सब चीज़ करता था, फिर भी वो मर गया. और जो Obed-Edom है वो कुछ ऐसा नाम, उसका नाम में भी कुछ खास मतलब नहीं था,
फिर भी वो परमेश्वर उसको आशीष दिया, क्यों ऐसा है? I want to say this day today. How no matter how many years you believe God, no matter how many generation you honor God, important things, are you still fear of the God in this moment? आप चाहे कितने साल से कलीसिया में यीशु मसीह को परमेश्वर को जानते हैं, चाहे आपका परिवार कितने पीढ़ी से ईसाई है, लेकिन सवाल यह है क्या आप सचमुच में परमेश्वर से भय रखते हैं, उसको आदर करते हैं, उसको सेवा करते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं? Some difficult situation, depression come. Can you fear the Lord at the moment? क्या जब ऐसा समय आता है, जब दुख मुसीबत आता है, बीमारी आता है, I trust. क्या आपका भरोसा सिर्फ फिर भी परमेश्वर पर रहता है? Give the way to him. Yes, Lord, you speak. I do not know how to speak. Give him the way. क्या आप मौका देते हैं परमेश्वर को आपके हृदय से बातचीत करने की? When your toddler clean your clothes, mommy, 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 and the ring the bell. But at the moment, give him the way to do something. जब ऐसा example है कि जब आप फोन पे बिजी है और आपका बच्चा आता है और आपका कपड़ा घिसता है, तो ढेर चीज करना पड़ता है, इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आपका जो समय है, आपका जो ध्यान है, उस पर आना है. Reverend, fear of the Lord. See, everything's in God's sight. परमेश्वर से भय रखना, उसको आदर करना. Okay, let's read Isaiah chapter 6, verse 4 to 5. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Great man of God, when the God's presence there, he is aware his lips. I have unclean lips. I live in unclean people's unclean lips among the people. तो ऐसा जो है वो कहता है जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है तो वो अपने अपने ओर देखकर और ऐलान करता है कि मैं बर्बाद हूँ, मैं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा जो मुंह है वो साफ नहीं है, और मैं ऐसा जगह रहता हूँ जहाँ साफ नहीं है, और कि मेरा जो आँख है वो परमेश्वर को देख लिया है. I know Indian people is so smart and thinking very well, speak very speedily, but remember there is God. Be careful what you say. हम शायद बुद्धिमान है, स्मार्ट है, बात करने में सब चीज में हम स्मार्ट हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं. I wish angel of God bring some burning coal touch your lips. जो ऐसा है वो चाहती है कि जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है हमारे जीभ में जो अंगार है, जो कौल है जरता हुआ, वो छुआ दे. Next one. First Timothy 1:15. The apostle Paul said. Timothy इसकी किताब में कहता है, he is trustworthy. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Apostle Paul recognized, I'm the one, the worst sinner. Paulus, वो जानता है कि यीशु मसीह उसके आया है बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, और पौलुस कहता है कि मैं पौल सबसे बुरा, सबसे गिरा हुआ, सब पापी से सबसे गिरा हुआ हूँ. We have a freedom, we have a saved, even our future sin, but we carry the cross to follow Jesus. That's a sacrificial life, servanthood. हमारे जो पाप क्षमा गए, हमें नया जीवन मिल गया है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस से उठाना है और त्याग का जीवन व्यतीत करना है, सैक्रिफिशियल जीवन व्यतीत करना है. The more I change my attitude as a disciple of God, I need my self-denial.
जितने हम अपने आप को हम भुलाकर परमेश्वर की ओर हमारे ध्यान होना चाहिए, हर एक चीज में परमेश्वर की उसको हम पहला स्थान दे, अपने आप को हटाकर. Okay, next one. Suitable and irreverent act. It's our choice at every moment. क्या हमारे लिए जो ठीक है, जो जो हमारे रहन सहन है, हमारे विचार सोच विचार क्या ठीक है परमेश्वर के सामने. I wish you have a good choice. शायद ऐसा है कि हमारे पास अच्छा चुनाव चुनाव होना चाहिए. God-centeredness, ask him what you say, what you act. हर एक चीज में परमेश्वर को पहला स्थान देने देने में. I wish you have a triumph in God. कि हमें परमेश्वर में विजेता रहना है. We want to get the victory and reach the heaven and praise God there. और कि हमारे जब इस दुनिया में जो जीवन है हम व्यतीत करते हैं, इसमें हम सफलता पाए, विजेता पाए और परमेश्वर के सामने हम एक दिन खड़े रहे और प्रशंसा करें इसको. While you serve the Lord at home, at church, at the society, there is many difficulties. Remember that. That's for God's loving kindness toward you to bless you. और हम चाहे कैसा भी हालात से हम गुजरते हैं इस दुनिया में, जब तक हम यहाँ हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में और वो हमें आशीष देता है. Let's stand up all together and while we see खड़े this हो जाएं. Beat clip they send to us, Korea. Father. Sometimes we thought what we carry the cross is we couldn't endure. And sometimes we judge others. Because of him, because of her, I got this suffering. Sometimes we also say about the cyclone and the money problem, disease, psychological things we couldn't carry with our own. But by your help, the blood of Lamb, the word of God is beside us. And we can do this because we trust you, we fear you. You are Almighty Father God who created heaven and earth and who manage our body life and church life. We give it to you, Lord. You are our Lord and Master. Rule over us. We recognize you. Our brain is so proud of ourselves sometimes. Our mouth is out of control sometimes. Lord, forgive us through Jesus Christ. And we see the blessing of God, the channel of God through us. We can change the whole society. People suffer because of the typhoon and difficulties, but we hope in you. Father, please bless those lost their house. Because of the COVID, many people have a financial problem. They are struggling the food on the table. We remember their difficulties, their suffering. It's the time to show the love of God. Lord, the PG, let them rise up again. And especially the Indian congregation, rise up for the Lord and teach the homeland of India. Reach the gospel to the whole world. Bless this Kinoa Church, Lord, each members, each house, each their working place. Bless them. We trust in you. We hold in you. Lord, we love you. You are the living Father God. You saved us through Jesus Christ. Lord, bless this congregation. Let them rise up for the Lord. We are not the victim. We are conqueror, Lord. Lord, at every moment, we want to use your power, your loving kindness, your joyfulness instead of our sorrow. You trade us with your something good, everything. Lord, bless this congregation. This is your people, and you do something wonderful things. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen, amen.
और ये प्रभु को जो मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ जिसमें हमें शिक्षा मिलता है किस तरह से और क्यों हम लोग प्रभु भोज को लेते हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को उसके आशीष के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, और साथ साथ ये मौका कि हम प्रभु भोज में भाग ले सकें। मैं बाइबल में से पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय अपने खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। हालेलुया। प्रिय लोग, ये प्रभु भोज की कार्रवाई प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, रोटी और दाखरस। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें सब भाग ले सकते हैं अगर आप यीशु के विश्वासी हो, अपने पुराने जीवन पुराने धर्म सब कुछ त्याग कर और यीशु मसीह के मार्ग में चलते हो, आप इस प्रभु भोज में भाग ले सकते हो। इसका जो खास मतलब ये है कि यीशु मसीह उस रात्रि को जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी लेकर तोड़कर और अपने चेलों को दिया, बताया कि ये खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। फिर उसने दाखरस को लिया यानी ग्रेप जूस और लेकर उसने अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू। और परमेश्वर इस बलि से, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलि किया था, इस बलि से स्वीकार, और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और यीशु पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र मरा और तीसरे दिन जीवा उठा तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये प्रभु भोज उनके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने सर को झुका ले, अपने आँख बंद कर दें और अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। बाइबल हमें बताता है कि हम विश्वास से और पहचाने कि उसके याद में हम लोग करते हैं, खेल तमाशा के समय नहीं, लेकिन एक बहुत ही खास समय है जब हम याद करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, यीशु मसीह का शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया, उसका लहू बहा और उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। आप प्रार्थना करते रहे और शलेश हमें प्रार्थना में धन्यवाद देते कि आपने हमसे प्रेम किया और अपने बेटा को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद कि उसका जो लहू बहा हमारे लिए वो कितने कीमती है, बहुमूल्य है, कि हमारे हर एक पाप साफ कर देता है, हमारे जीवन को साफ कर देता है और हमें धार्मिक दिला देता है आपके सामने। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम यहाँ पर एक साथ में आपके सामने खड़े हैं, आदर के साथ दीन होकर और धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए क्या कुछ किया, और जिसे हम इस भोज में भाग लेंगे हमें हमारे हृदय से बातचीत कर हर एक हृदय को छुए पिता परमेश्वर कि हम महसूस करें आपका जो प्रेम है, जो आपका अनुग्रह दया, और वे ये हम स्वीकार करें अपने जीवन में और इसके द्वारा हम
आपका प्रेम और लोग को भी बांट सके। इस भोज में आपका आशीष है जिसे हम लेंगे, हम कभी ना भुलाएं, कभी ना भुलाएं जो दाम आपने चुकाया है हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम के द्वारा, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने मार्ग बंद करके अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। जस्ट फॉर अ मोमेंट मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उस रात्रि को, जिस रात्रि को वो पकड़वाया गया, उसने इच्छा प्रकट किया कि वो अपने चेलों के साथ में भोजन करे, और उसने उनके साथ में जो बैठा तो उसने रोटी को लिया और रोटी को तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया और बताया कि उसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के साथ लिए तोड़ा जाता है। उसने कहा कि जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। आज हम लोग एकत्रित हैं यहां पर यीशु के याद में। ये रोटी हमारे हाथों में है, इसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि यीशु का शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया, हमारे बीमारी के लिए तोड़ा गया, उसके शरीर की बुरी हालत किया गया, जोतल खेत के समान हो गया। अगर वो अपने आप को बचाना चाहता था तो वो बचा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बलि किया, खुद में खुद जाकर क्रूस पर अपने आप को बलि किया और उसके शरीर को तोड़ा गया। उस रात्रि को उसने बैठकर अपने चेलों के साथ में भोजन किया और कहा कि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित है यीशु के याद में। हम सब मिलकर इस रोटी को खाए, धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए उसके याद में इस रोटी के टुकड़ा को खाएं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते तुझे। तू महान है, तू सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को कोई नहीं मारा, लेकिन वे खुद अपने आप क्रूस के मार्ग को गया, अपने आप को बलि किया, जिसमें कि तुम्हारा और हमारा पाप और सारे मनुष्य जाति का पाप क्षमा हो जाए। उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों से बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब बलि होता है कोई चीज, उसमें लहू बहुत ही खास भाग लेता है, और यीशु मसीह का लहू स्वीकार हुआ और परमेश्वर ने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु का लहू उसके पापों को ढक लेगा, हटा देगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो अनंत जीवन के योग्य हो जाएगा। ये दाखरस हमारे हाथों में है हमें याद दिलाने के लिए यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह रात्रि को, हाँ लो इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। और आज हम उसके याद में यहाँ पर खड़े हैं दाखरस को लेकर, एक साथ में हम सब भाग लें उसके जय जयकार और प्रशंसा करते हुए। हालेलुया, धन्यवाद दें, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Let's just praise Him and worship Him for His goodness, for His mercy, for His love, for His sacrifice. We thank You, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ravashandaram. Hallelujah. Maranatha. Hallelujah. Dhanyavad. 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 Praise the name of the Lord. Thank You, Jesus. Dhanyavad, Yeshu. Dhanyavad. तू महान है, तू महान है, तू महान है। Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. You may be seated. आप सब बैठ जाएं। And while we are collecting the glass, we will accept the missions offering. इस समय हम लोग जो missions का चंदा है, उसको एकत्रित करेंगे। This is not your tithes and offering.
But this is first time, first week in the month when we have communion. We also give missions offering. We don't use this in the church. This goes out to foreign missions, for Bible college, and for other our workers outside the church. तो ये जो चंदा है missions चंदा आप लाकर यहाँ पर रख सकते हो. इसको हम लोग चर्च में नहीं काम लाते, लेकिन बाहर जो लोग हैं मदद करते हैं. हम लोग फॉरेन मिशन्स, बाइबल कॉलेज और जगह जगह पर हम मदद करते हैं. तो अपना चंदा आप लाकर यहाँ रख सकते हो. उसी की जय, बहुत खुश हो कि आप यहाँ पर है. क्यों इम्तियाजी बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. बहुत ही शुभ दिन है. थोड़ा समय हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ है जो हमें करना होगा. आप तैरे रहे मेरे साथ में, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे. हमारा जो इस हफ्ता के सूचनाएं हैं उसको मैं देना चाहता हूं, और आप अपने बुलेटिन में देख सकोगे, उसके विषय में बताऊंगा. लेकिन उससे पहले हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा रहेगा, और पादरी लिम प्रचार करेंगे. हम लोग खुश हैं कि वे आज हमारे साथ में हैं, और जो वचन उसने प्रचार किया, शायद समझने में थोड़ा उसका भाषा जो है कोरियन भाषा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एकत्रित किया क्या वो हम लोगों से कहती है. और मैं आशा करता हूँ उसके द्वारा आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त करोगे. लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए कि वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में, खासकर हिंदुस्तानियों के बीच में, सब साबू में करते हैं. हालेलुया, थैंक यू. मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने बीच में सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से. बहुत ही खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ में हैं. कुछ लोग जो नए हैं उनको हम स्वागत करते हैं. आइजक लोजाला बीच से. आइजक कहाँ है, नहा तुला दो. ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू. एंड वी हैव आशियाना एंड धर्मेश. आशियाना धर्मेश, ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड. बहुत खुश है कि आप लोग हमारे साथ में हैं. और फिर रशिका एंड राधिका, प्रेज द लॉर्ड. हम लोगों ने उनके घर पर गए थे, उनसे बातचीत किया. हम लोग खुश है कि आज वो हमारे साथ में हैं. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे. हमारा इस हफ्ता के सूचनाएं जो है वो इस प्रकार से. हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, और फिर आज शाम के छः बजे हमारा इंस्टॉलेशन सर्विस रहेगा. यानी कि जितने लोगों को चुना गया, शुक्रवार के रात्रि को हमारा सभा था, सालाना सभा, जिसमें हम लोगों ने अपना बोर्ड ऑफ डीकन्स और बाकी लोगों को चुना कि वे लोग हमारी सेवा करें. सो दैट वाज डन ऑन फ्राइडे. टुनाइट एट 6 PM वी विल हैव द इंस्टॉलेशन सर्विस, एंड वी आस्क ऑल दोज हुज नेम वाज अप देयर टू कम फॉर दैट इंस्टॉलेशन सर्विस एट 6 o'clock. और बाकी सबको निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए. मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कौन कौन लोग जो है वे चुने गए. जल्दी से पढ़कर सुना दूंगा, फिर बाद में जो पूरा लिस्ट है बुलेटिन बोर्ड में लगाया जाएगा. थोड़ा समय लेना पड़ेगा मुझे, माफ़ करना. जो चर्च के जो बोर्ड ऑफ डीकन्स है, पादरी मैं हूँ अभी भी, प्रेज द लॉर्ड. और हमारा असिस्टेंट पास्टर जो है पादरी शैलेश माधवन, सेक्रेटरी है एडविन सिंह, ट्रेजरर पादरी सुरेश कुमार, और डीकन्स जो है ब्रदर बोब पन्ना और ब्रदर नवेंद्र प्रसाद. आज शाम को उनका भी इंस्टॉलेशन होगा. फिर इसके अलावा आप देख सकते हो बुलेटिन में, जस्ट सी इन योर बुलेटिन द नेम्स ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन अपॉइंटेड एज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्रेज द लॉर्ड. डॉटर चर्चेस, we have 6 daughter churches. Mangere Jyoti, Pastor Rohit, he was here yesterday but he had to go. He is looking after Mangere Jyoti, that is in Tavua. Let's continue to pray for him. Unke liye prarthna karte rahe. Waila Jyoti, jo ki aap jante ho idhar Waila Andhi Davila Road, jo Itokei service hai. Waila Jyoti Itokei, Pastor Micah Nangalu. Waila Jyoti Indian Assembly, Pastor James Chand. Colombo Jyoti Assembly, Pastor Suresh Kumar.
बाउलेवु असेंबली समय खाली है, अभी कोई वहाँ पर नहीं है. ब्रदर राकेश मनी और ब्रदर नादा गौंडर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अभी सभा नहीं होता वहाँ पर. फिर इसके अलावा मोनी वेनी ज्योति, वो है पास्टर डेविड चंदर. इसके अलावा जो एरिया मिनिस्ट्री है उसमें आप देखोगे कुछ बदलाव हुआ है. दुम्बाती और सुबा हम लोग एक एरिया मिनिस्टर के नीचे कर दिए हैं, दुम्बाती और सुबा, और वो है पास्टर सुलेश माधवन के नीचे. न्यू टाउन वालेलेवु नया एरिया मिनिस्टर इमैनुअल जॉन, कहाँ है ब्रदर इमैनुअल? ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर इमैनुअल और एस्टर जॉन, ये लोग इस भाग को संभालेंगे, न्यू टाउन और वालेलेवु. ब्रदर नवेंद्र प्रसाद नंदावा नेपानी नंदेरा. ब्रदर एडविन सिंह नरेरे मकोई नोसोरी. सिस्टर ताला और ब्रदर सैमुअल फ्रेड साथ में मिलकर लोदाला बीच और किनोया. और बाकी बादरी लोग जो है माइका नंगालू वैला ए त्री ए, तो इतोके जेम्स चंद वैला त्री ए इंडियन, सुरेश कुमार कलाम्बो और प्रेमचंद्र मोयनी वेनी. डिपार्टमेंट्स जो है हम लोगों का, मेन्स मिनिस्ट्री ब्रदर नवेंद्र प्रसाद, वुमेन्स मिनिस्ट्री सिस्टर रुक्मणी रेड्डी, संडे स्कूल सिस्टर ताला याव और सिस्टर इडथ माधवन उसके असिस्टेंट, क्राइस्ट एम्बेसडर्स ब्रदर जोशुआ चंद्रा. याद रखना सिस्टर ताला ऑस्ट्रेलिया में भी स्टक है, वो आना चाहती है, लेकिन जल्द से जल्द जब आई जाएगी तो अपना जिम्मेवारी संभालेगी. फिर बाकी जो हमारा भाग है, आशीष कापाक सिस्टर रुक्मिणी रेड्डी 8:30 वाला में, सिस्टर मायरा सरिता कश्यप 11:00, इवेंजलिज्म डिसाइपलशिप ब्रदर एडविन सिंह, प्रेज एंड वर्शिप टीम ब्रदर शैलेश माधवन, हॉस्पिटल विजिटेशन रिस्पेक्टिव एरिया ग्रुप एरिया मिनिस्टर, जितना एरिया मिनिस्टर्स है वे लोग सब मिलकर हॉस्पिटल विजिटेशन के लिए तैयारी करेंगे. और मीडिया मिनिस्ट्रीज ब्रदर जोशुआ चंद्रा और उसके टीम, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस ब्रदर नवेंद्र प्रसाद और उसके साथ में कुछ टीम है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड वेलफेयर सिस्टर सुशीला नादन, और यूथ पास्टोरल टीम ब्रदर एडविन एंड जरूशा सिंह. ये लोगों का जिम्मेवारी है जो कलीसिया के काम करने के लिए. अगर कोई के नाम छूट गया, कोई डिपार्टमेंट छूट गया, बाद में हम लोग उसको बता देंगे, फिर बुलेटिन बोर्ड में भी पूरा रखा जाएगा. मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, कलाम्बो की तरफ से खबर है कि उनका वैसे रहेगा ब्रदर सुरेश पास्ता, मैंने बता दिया. ब्रदर सैमुअल उसका मदद करेगा वहाँ पर, और सिस्टर रोमिका कृष्णा संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, सिस्टर शैली कुमार डब्ल्यू एम प्रेजिडेंट, ब्रदर जुगेन सिंह मेन्स मिनिस्ट्री प्रेजिडेंट, ब्रदर हमीश कृष्णा यूथ प्रेजिडेंट. ये कलाम्बो के हैं, कलाम्बो चर्च का. फिर मोयनीवेनी ज्योति का पास्ता है ब्रदर डेविड चंदर, मैं बता दिया. सेक्रेटरी नितिन नारायण और ट्रेजरा प्रेमचंद्रा, सॉरी ट्रेजरा प्रेमचंद्रा, और संडे स्कूल प्रेसिडेंट सिस्टर सरोज नारायण, मेंस मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट ब्रदर नारायण सामी, प्रेसिडेंट वुमेन्स मिनिस्ट्री सिस्टर सैरुल निशा, और इवेंजलिज्म ब्रदर एडवर्ड रंजन. ये लोग मोयनी वेनी के काम को संभालेंगे. वैला ज्योति का जो डिपार्टमेंट इस तरह से है, आपको मालूम ब्रदर जेम्स वहाँ का पादरी है. डब्ल्यू एम्स प्रेजिडेंट, मेन्स मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट अभी एकदम निर्णय नहीं है, लेकिन ब्रदर रत्नेश के नाम यहाँ पर है. डब्ल्यू एम्स प्रेजिडेंट सिस्टर उमा कांता, सी एज एस्लिन चंद और ओवरसियर पास्टर जेम्स चंद, संडे स्कूल टीचर्स विनीता प्रसाद और सुनीता दास. प्रेज द लॉर्ड. ये सब है जो भाग अगवा लेंगे, क्यों नहीं ताली बजाकर इनको धन्यवाद दें. प्रेज द लॉर्ड. ये सब है खास सूचना. इस हफ्ता से हमारा 20 हफ्ता वाला कार्रवाई सब शुरू होगा. मंगलवार के रात्रि को प्रार्थना सभा,
सबको निमंत्रण है उसमें आने के लिए. शुक्रवार का जो सभा होता है मेंस मिनिस्ट्रीज डब्ल्यू एम्स एंड यूथ मीटिंग शुक्रवार के रात्रि को रहेगा 7 बजे से. सब आते हैं यहाँ पर भाग लेने के लिए. राइट, ऑल वेलकम ऑन फ्राइडे नाइट फॉर यूथ सर्विस हियर. मेंस मिनिस्ट्रीज डाउन एट द किंडरगार्टन हॉल, डब्ल्यू एम्स डाउन हियर इन द बेसमेंट प्लेस. सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग फैमिली नाइट ऑन फ्राइडे. एवरीबॉडी कम एंड टेक पार्ट. सबको निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए. और प्रार्थना सभा मंगलवार के रात्रि को रहेगा. हम चाहते देखने के लिए 6 बजे सब आए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. और बाकी कमिटीज़ वगैरह जो है उनका नाम बाद में दिया जाएगा, अगले हफ्ता तक आपको मिल जाएगा. आज रात के 6 बजे इंस्टॉलेशन सर्विस है. हम चाहते हैं जितने हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट का नाम लिया गया वे लोग सब यहाँ पर 6 बजे से पहले आ जाए, क्योंकि उनके लिए खासकर प्रार्थना किया जाएगा. सिर्फ मंगलवार के एक सभा रहेगा और शुक्रवार को वी स्टार्टिंग द सर्विसेज दिस वीक. ऑलराइट, एवरीवन रिमेंबर दैट. शनिवार के वर्शिप टीम प्रैक्टिस 3 o'clock, संडे वर्शिप सर्विस एंड एवरीथिंग इज एज नॉर्मल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप सब खड़े हो जाएं. इस समय हम लोग चंदा एकत्रित करेंगे. वी विल कलेक्ट द ऑफरिंग, टाइड्स एंड ऑफरिंग. अगर कोई नाम छूट गया है तो बाद में आपको बता दिया जाएगा. मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलकर जितने नाम लिया गया, जितना डिपार्टमेंट्स है, बोर्ड ऑफ डीकन्स है, सबके लिए प्रार्थना करें. वी गॉट टू प्रे फॉर देम, वी गॉट टू सपोर्ट देम. दे कांट डू थिंग्स ऑन देयर ओन, अपने आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके प्रार्थना, आपके सहयोग से वे लोग उस काम को कर सकेंगे जिस काम की जिम्मेवारी उन्होंने संभाला, लेने के लिए स्वीकार किया. ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्यों नहीं इनको ताली बजाकर बधाई दें. Glory to God. Thank you, Lord. Let us pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना महान है. धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर. धन्यवाद क्योंकि तू आज हमारे बीच में है हमें सहायता देने के लिए. धन्यवाद क्योंकि तूने अपने हाथों को हमारे ऊपर रखा और ये सो दुर्घटना वगैरह जो हुआ, जो बीमारी, जो तूफान वगैरह हुआ, इसमें हम सुरक्षित रहे. तूने अपने हाथों को हमारे नीचे रखा और हमें बचा कर रखा, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं. तेरे लोग आज यहाँ पर उपस्थित है तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे नाम की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि सब सुरक्षित है. धन्यवाद इसके लिए परमेश्वर. मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों का नाम लिया गया जिन्होंने अपने आप को तुम्हारे सामने रखा कि वे तुम्हारी सेवा में लगेंगे, तैयार है. अपने आप को उन्होंने दिया है कि तुम्हारे सेवा के काम में वे तैयार रहेंगे. उनको कोई काम में ला परमेश्वर. पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दें, बुद्धि ज्ञान बल को देना कि वे जो कुछ करेंगे वे तुम्हारे प्रशंसा के लिए, तुम्हारे नाम के लिए करेंगे और उसके द्वारा तुम्हारे राज्य की अगुवाई निश्चय होगा. धन्यवाद परमेश्वर. और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज अपना चंदा लेकर आए हैं. स्वीकार कर इससे परमेश्वर. जितने लोग अपने दशमांश लेकर आए हैं, क्योंकि ये तुम्हारा आज्ञा है, ये हुक्म है कि तुम्हारे कमाई में से 1/10 हिस्सा मेरा है. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जबकि वे विश्वास से, प्यार से अपने चंदा और दशमांश लेकर आए हैं, इनको स्वीकार कर और अपने वचन के अनुसार देने वालों पर आशीष कुंडेल. धन्यवाद परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं. और साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं जितने नए लोग आ जाए यहाँ पर. हम लोग खुश है कि उन्होंने यीशु को जानने के लिए इच्छा प्रकट किया और यीशु के द्वारा उन्होंने आशीष को प्राप्त किया. मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे दया दृष्टि उनके ऊपर रहे. कुछ कुछ यहाँ पर जो लोग नए लोग आए हैं उनका घर तूफान के द्वारा कारण बर्बाद हो गया है, वे दुख में थे, कष्ट में है, लेकिन आज यहाँ पर है. धन्यवाद देते हैं तुझे क्योंकि तूने उनको सुरक्षित रखा. और मेरा यही प्रार्थना तुम्हारे आशीष उन पर रहे, तुम्हारे दया दृष्टि उनके ऊपर रहे, हर एक घटी उनका पूरा कर देना परमेश्वर, जिसमें जल्द से जल्द वे अपने घर को बनाकर अपने घर में फिर निवास कर सके. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमेन 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 आमेन. धन्यवाद. आप बैठ जाएं. प्रेज द लॉर्ड. जब चंदा लिया जाता है अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी, आप चले आओ आगे. हम लोग भूलना नहीं चाहते, हम हरदम भूल जाते हैं, याद करते हैं. समय हो गया लेकिन फिर भी. किसी का है और आप देखते बोर्ड में स्क्रीन पर जो नाम है, कुछ लोग का मांग है, प्रार्थना, बीमार है और
कई लोग को मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है कि उनको चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है। और भाई शेल्विन चंद्रा, उसके फैमिली दुम्बाती में उसका माँ गुजर गया कल, उनके लिए प्रार्थना करना है। और जो नया साल, जो कई लोग जो अगुवाई करेगा, उनके लिए मैं प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे आप चंदा देते हैं, आप ये नाम अपने मन में ले ले, परमेश्वर के सामने ला ले और धन्यवाद दे कि वो आप परमेश्वर अभी भी चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहे जहाँ भी ये लोग हैं, चाहे जैसा भी हालात में, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। ये लोग जो स्क्रीन पर उनका नाम है, हम शायद नहीं जानते, हम शायद समझ नहीं पाते उनके हालात क्या है, लेकिन आप जानते हैं। आप उनका आंसू को देखता है, उनका रोग को देखता है, उनका बीमारी को देखता है, समझता है, जानता है। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि अपने वादानुसार, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने दया और जो आश्चर्यक्रम आपका महानता उनके ऊपर है, आपका प्रेम उनके ऊपर है, कि वे महसूस कर पाएंगे आपके चंगाई और छुटकारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन को जैसे यहाँ पर है, जितने लोग यहाँ बैठा है, उन पर तेरा आशीष रहे। जो ऑनलाइन देखते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन जो वचन को सुने, उन पर तेरा आशीष रहे। आवश्यकता रहे आपके पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करें, कि हम ऐसा हृदय में अपना मन में ठान ले, इस साल हम जो दुनिया की चीज़ है, हमें जो जो काम काज है, पढ़ाई लिखाई है, जो परिवार के कार्य है, हर एक चीज़ में हम अपने रोज़ बरोज़ कार्य करते रहेंगे, लेकिन हम समय निकालेंगे आपकी उपस्थिति के लिए, आपको प्रशंसा करने के लिए, आपकी महिमा आराधना करने के लिए। हम समय निकालेंगे आपकी आवाज़ को सुनने में, आपके वचन को पढ़ने में, आपसे प्रार्थना करने के लिए। पिता परमेश्वर, हमें मदद कर। हम जानते हैं जैसे हम ये ठानते हैं, शैतान वो कोशिश करेगा कि हमें हमारे ध्यान और सब चीज़ में लिख जाने के लिए, हम ये जो दुनिया के बवाल मुसीबत है उसमें हमारे ध्यान को लिख जाने के लिए, लेकिन पिता परमेश्वर, हमें मदद कर, हमें सामर्थ्य दे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम अपने नज़र को आपके ऊपर रखें हर एक चीज़ में। पिता परमेश्वर, पूरा भरोसा आप पर रखें। और हम जानते हैं कि जब हम आप पर भरोसा रखते हैं, अपने आपका अपना पहला स्थान आपको देते हैं, आप हमारे जीवन को अगुवाई करता है, हमें हर एक चीज़ में आशीष देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह दया प्रेम के लिए। हर एक जन जैसे हम यहाँ से जाएंगे, आपका अनुग्रह दया कृपा, आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में रहेंगे, और जहाँ भी हम जाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, आपका नाम का महिमा और बड़ा ही होगा। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, आप इतने पेशेंटली बैठा है, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। कई लोग नए आए हमारे साथ में, धन्यवाद आने के लिए। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।